वाइट के साथ हुआ है शुरुआत। खाता खुला है इंग्लिश 11 का।
शामसू बढ़िया स्वागत है पॉइंट के दिशा पर अजर करीब वहां पे पहुंचते हुए बदले के साथ में लागत हिमांशु से कटर लाडेन का खाता खुला है तो सलामी बल्लेबाज को मोर्चा संभालना पड़ेगा बड़ा पानी भरना पड़ेगा दल का स्कोर 2 रन मानव कुमार राव शुरुआती झटका दिलाना बहुत जरूरी जब इस मुकाबला पे आप हावी होना चाहते हैं सामने वाले टीम को ऊपर आप दबाव डालना चाहते हैं हिरालाल मेंडिस ऑन स्ट्राइक बल्ला जरूर घुमाया लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं 6 ओवर के कितना टारगेट होने से अब चुनौती पेश कर पाएंगे मेरे विचार में 73 क्या वहां तक पहुंच पाएंगे इंग्लिश लेवल आपने रिदम तो नजर आता होगा लेकिन थोड़ा सा लाइन चूक जिस वजह से बॉलिंग को वाइड करवाते हुए और इस वाइड पोजीशन पे दल का स्कोर पहुंचता हुआ 3 रन पर हवा में और बाहर भी विराट कोहली की खेल में रहते Yeah!
बल्ले हो गए, उनका कोई संपर्क नहीं और एक डॉट बॉल। आपकी बार ये रिवर्स घुमाया था, लेकिन बल्ले उड़े का कोई संपर्क हुआ नहीं। आपकी बार उतना बचा टाइम हुआ नहीं, ये गेंद हवा में इस विकेट पहुंच नहीं पाएंगे और एक सिंगल चुराते हुए हिमांशु भल्ल और इसी दल के चलते दल का स्कोर पहुंचा हुआ 22। विक्रम जो पिछला मैच में अच्छा खेले थे, बिल को लेकर जबरदस्त पारी करा था, छक्का चौका का बोछार किया था। विक्रम सामने चिन्मय गोरिया स्लो कर लिया और छक्का चढ़ गया है लंबा के ऊपर से लंबाई और ऊंचाई और उसने पूरी
बिल्कुल ताली आपकी आपका ले जा चुकी, मैदान तो उतर चुके हैं इमरान खान 190 का स्ट्राइक रेट अनुभव इनके पास टूट टूट कर भरा हुआ है। मोर्चा समा देंगे इमेज 11 का 29 रन 2 विकेट। तीसरा ओवर का खेल जारी है, 6 ओवर का यह मुकाबला सागर के सामने इमरान। हेलो पब्लू तांसा पर नए बल्लेबाज
और एक बार बल्ले के खूब बदला है, गेंद हवा में है और यहां पे कैच, व्हाट अ कैच, संबित राजा पंडा का कॉम्बिनेशन, विकेट मिला है रॉयल आईएससी को। पिछला ओवर और ये वाला ओवर आप देखेंगे थोड़ा सा कंजूसी में फांसी हुआ है, स्कोर बोर्ड में हम कुछ लगाते हुए गेंदबाज बैक टू बैक विकेट मिला के यहाँ पे अपने स्पाइक को चौथा ओवर का खेल जारी है। ऑन ए हैट्रिक का पहला हैट्रिक चौथा बैंक का अपने स्पाइक सामने विजय आप आने वाले बल्लेबाज रहेंगे दीपक कुंडू जैसे खिलाड़ी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज को थोड़ा सा तेज रन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट के बाहर व्हाइट बॉल और इस व्हाइट के चलते दल का स्कोर कौन सा हुआ 38। आप सिंगल लीजिए इमरान खान को स्ट्राइक पर लेकर आइए, वो शायद बेहतर हो सकता है मैच इलेवन के लिए। इस्तेमाल करना पड़ेगा बल्लेबाज को, गेंद की जो अवेयरनेस है उसको समझना पड़ेगा। और एक बढ़िया गेंद दुस्ता मिलेगा ना कोई जाने दिया गया है, तो वाइट थोड़ा सा ज्यादा डाले हैं
सर टूर्नामेंट पे मनोज कुमार राउत व्हाइट के चलते दरकासपुर पहुंचता हुआ 46, तो इमरान को स्ट्राइक पर लेकर आना है किसी भी तरीके से। आगे भागना चाहेंगे, राउत का मौका बनेगा लेकिन पूरा कर लेंगे। और ये सिंगल चाहिए था, लेग बाय के जरिए ये सिंगल आया है, लेकिन मनोज कुमार राउत का अपने अनुशासन को बरकरार रखना है। जो नियंत्रण हमेशा से हमने देखा है मनोज कुमार राउत की गेंदबाजी में, वो नियंत्रण लेकर आना पड़ेगा। अगर वो एक टप्पा घूमते हैं वहां पे डालते हैं तो फिर बड़े बड़े बल्लेबाज के सामने वो कठिन सवाल पैदा कर चुके हैं। जितना अनुभव मनोज कुमार राउत के पास है वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे व्हाइट बॉल डाला जाए, क्योंकि व्हाइट आप जब डालते हैं एक रन एक जमा होता है, उसके साथ साथ और एक गेंद आपको डालने के लिए पड़ता है। लेकिन इमेज लेवल के लिए अच्छी बात की इमरान खान को यहाँ पे स्ट्राइक मिल चुका है। अभी भी यहां से 11 गेंद बचा है, आज से वो गेंद खेलना चाहेंगे इमरान खान। नो बॉल, इसी के बारे में जिक्र कर रहा था कि अनुशासन आप जब भंग करेंगे वो सामने वाले टीम के लिए फायदेमंद होगा। और जो फ्री हिट गेंद है ना वो जाएगा इमरान के हिट में, लाइसेंस अब इमरान के पास हाथ खोलने का, छक्का जड़ने का। खैर इस गेंद को दर्शक दीर्घा पर भेजिए, इमरान सामने मनोज फ्री हिट बॉल। अड़तालीस पर चार, ये बढ़िया गेंद था, ये टिपिकल मनोज कुमार राउत का आउट स्विंग। अश्रम के सफर किए थे एक नियम के चलते, अगर आप थोड़ा सा अश्रम के बाहर आ जाते हैं तो फिर गेंदबाज को मार्जिन ऑफ एरर नहीं नहीं यहां पे मत करिए और इस गेंद को भूल जाइए।
ओवर, बहुत खराब ओवर रॉयल आईएफसी के लिए भी। मनोज कुमार राउत से ये चीज अमूमन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन अभी भी फ्री हिट का सामना करेंगे इमरान खान। उड़ीसा का बेहतर बादशाह कहा जाता है इस खिलाड़ी को। ये खिलाड़ी इमेज रेलिंग का फड़कन, रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करते हैं ना, तो मेरुदंड चौसठी इमरान खान, चौसठी रन चार गोटी विकेट, फ्री हिट सामना इमरान खान। इस बार गेंद बहुत ऊपर गया है, याद करने से लेकिन फिर भी जीवित रहेंगे इमरान, और इसी गेंद से दो रन यहां पे पूरा किया है। बढ़िया रन बिंदु कैच, और इस दो रन के चलते दल का स्कोर पहुंचता हुआ 66 रन पर। इमरान खान 9 गेंदों पर 31 रन बना चुके हैं। आज आसिफ नहीं है, आज टीपू नहीं है, तो जिम्मेदारी इनके कंधों पर। ये शॉट बढ़िया है, कनेक्शन बेहतर है, फील्डर के ओवर से अच्छे इमरान खान स्पेशल। Thank you.
हुए दीजिए आप तालियां रखता हुआ डगा उनसे सराहना करते हुए बड़े तेज तरार उन्होंने रन बनाया लेकिन दीपक उनको अपना स्ट्राइक पर लेकिन इमरान अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं दस गेंदों पर 27 रन देखिए जहां मैटर बड़े होते हैं वहां इमरान खान खड़े होते हैं और एक वाइट तो बहुत सारे वाइट अभी तक गवा चुका है टीम रॉयल आईएस से 90 का आंकड़ा पूरा करता हुआ टीम इमेज ने 6 ओवर का मुकाबला में आप सभी को बता दूं अरे सोए थोड़ा कुछ सोए हाथी एकता लड़ी मारी Thank you.
प्रथम मैच आईडी फाइनल कुतुबरा क्रिकेट क्लब वर्सेस बोलीगढ़ क्रिकेट क्लब मथरे आ आजिरो विजेता काली सीआरएन 11 सहित ओडे भाग सिंगर लड़ाई टक्कर रहइबो अनुरोध रे भने दर्शक मान अधिक संख्या रे योगदान दे पीएसटी क्रिकेट क्लब ऑल मेंबर्स मान उत्साहित करिवे शानदार जोड़ी प्रारंभिक जोड़ी राइट हैंड बैट्समैन सामने रे खानोखा खान बोहे किरण खान नष्ट आईगे लुल्लू स्वाई टारगेट रही 99 और 17 रन लक्ष्य परिमार्ग रे हिमांशु दल तोपे प्रथम ओवर प्रथम ओवर ये जो प्रथम ओवर प्रथम ओवर साइज की नेट सामने रे किरण खान सुंदर बोलिंग लक्ष्य रन 36 कट करने को चेष्टा करनंद सुंदर बोली हिमांशु धल द्वारा प्रथम ओवर जारी रखी बलर हिमांशु धल परवर्ती बल सामने चिन्मा पल्ला नंद Oh,
अमर का भविष्यवासी धनेश्वर मात्र 18 रन ओबलेवार गुट विकेट खाए किनो काम करु परे स्ट्राइक बैट्समैन डुडु स्वाई पावा हाती विस्फोट करे बैट्समैन तपाई तृतीय ओभर यासिमे इज गोटा रो प्रथम ओभर प्रथम बल किरालाल मेन्डिस करु परे सामनारे डुडु स्वाई भारी भेग हाई गाई अब एक छोर से पिटाई होगा तो काम नहीं बनेगा, दोनों छोरों से पिटाई
रखना चाहिए, तब जाकर वो टारगेट को आप प्राप्त कर पाएंगे। शॉट बल्ले के बीचों बीच Thank you.
by Cheddar in the Walk. रन बना चुके हैं जो काम इमेज 11 के लिए इमरान खान ने किया था पहला पारी में वो काम रॉयल आईएलसी के लिए चिन्मय परिडा करते हुए जो कार्य अगली बार यह है उसको अंजाम दीजिए। क्या था वो मैं दीपक पर जो उठे चिन्मय परिडा की बाटम लगाऊं ये बहुत बड़ा उजड़ आया है सर नीचे करके वापस आते हुए चिन्मय परिडा पहली गेंद सफलता
खान, ये गेंदबाज का तारीफ आपको बार बार करना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हाथ उड़ेगी चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। वो चोट लगाते हुए टीम को जीत के ओर लेकर जाते हुए, लेकिन अभी भी गेम में जान बची है। क्या मैच में कोई उलटफेर होगा? क्या रॉयल आईआरसी कुछ उलटफेर कर पाएगा? अभी भी 40 रन चाहिए, 11 गेंदे बचा है। इमेज 11 डिफेंडिंग चैंपियन क्या फाइनल करेगा, या फिर एक नई टीम जो फाइनल पे पहुंच जाएगा? चलिए सोहेब के सामने बेन उधर होगा। दर्शक अपनी जगह से खड़े हो चुके हैं। वो जीतेगा इस बात
কার যাবে বাউন্ডারি টিকে দূরে রইবে দর্শক বন্ধু আপনারা কোন অনুরোধ রইবো বাউন্ডারি টিকে দূরে দূরে রইবে 7 বল 24 রান 7 বল 24 রান 7 বল 24 রান অরে মার্গারে সহে স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান লিপুনি বড় তাড়ি হও चैंपियन भी चलिए यहां पे उतर के और इसी के साथ ही में इलेवन फाड़ रहा क्रूज
17 रन से इस मुकाबला को जीत कर टीआरएन 11 का जीत किया है ग्रांड फिनाले के लिए इमेज 11 भद्रक और इस मुकाबला का मैन ऑफ द मैच इमरान खान रॉयल आईएससी अपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला लेकिन आज आपका टीम नहीं था डिफेंडिंग चैंपियन इमेज 11 बिटवार अपना जलवा दिखाता हुआ और फाइनल में ठीक है सब टीम मुड़ गई इमेज 11 और इमेज और टीआरएन 11 के बीच होगा फाइनल 40 पैदान के ऊपर आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ लाइव में कैन कंटिन्यू और सुंदर खान है ये लड़का नसीब पहुंच गए इमरान खान